close till I get up. Time is barely on our side. भाई डॉलमेन मॉल आए आज हम लोग और अभी डॉलमेन मॉल के अंदर विजिट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको इंट्रो देंगे। तो मेरे भाई सामने जो आपको दिख रहा है ये पूरा कैफेटेरिया है और यहाँ पर खाने पीने का तमाम आइटम आपको मिलेगा बासानी और नीचे की तरफ जो है वो सारे आउटलेट हैं और बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है और ये जो देख रहे हैं आप इस तरह ये पूरा कैफेटेरिया है। तो वीडियो का अपने आप स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। सीन ये है कि आज हम आए हैं तारिक रोड पर डॉलमेन मॉल में और आपको पता है जैसे हमारा टिकटॉक चैनल है तो वहाँ पर हमने हाइपर स्टार के डॉलमेन मॉल की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप तारिक रोड पर आएँ और डॉलमेन मॉल में वीडियो बनाएं। तो हमने सोचा कि चलो यार शॉर्ट भी बना देंगे, टिकटॉक पर डाल देंगे और ये ब्लॉग बना के हम आपको यूट्यूब पर दिखाएंगे। तो भाई आप लोग को नहीं पता, ये कराची में रहने वालों को ये बात पता होगी कि मॉल में जाके किसी भी जगह पे जाके वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर इस तरीके से प्रटेंड करते हैं जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ घुस गए भाई कि यार वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती। इवन अगर आइसक्रीम की शॉप पर भी जाके हम वीडियो बनाते हैं यार वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो भाई ऐसा क्या चीज़ है भाई, हम कोई अपना कारोबार खोल रहे हैं, कोई फ्लेवर आपसे चुरा रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं? ये बात आज तक हमें समझ में नहीं है। अगर आप लोग को समझ में आई हो तो भाई कमेंट में बता दीजिएगा। तो इतना मुश्किल होता है व्लॉग बनाना लेकिन उसके बावजूद आप लोग ना देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई ऐसा ना करें। तो बहरहाल आप करें ना करें, आपसे इतनी मोहब्बत है कि हम फिर भी बनाते रहेंगे वीडियो। और अभी बहरहाल आपको डॉलमेन मॉल का विजिट करवाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड के आउटलेट हैं और जो ऊपर का कैफेटेरिया है उसके भी माहौल के हवाले से आपको बताते हैं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो भाई ये है डॉलमेन मॉल तारिक रोड वाला और यहाँ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी आउटलेट आपको तमाम ब्रांड के दिखेंगे क्योंकि यहाँ ये जो मॉल है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। तारिक रोड पे आने वाले तमाम लोगों को इस मॉल के हवाले से मालूमात होती हैं और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो तारिक रोड गया हो और वो इस डॉलमेन मॉल में ना गया हो। हाइपर स्टार पर जब हमने वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप तारिक रोड वाले डॉलमेन मॉल में भी जाके वीडियो बनाएं, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर आएँ ताकि आपको यहाँ का विजिट करवाएं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम आउटलेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ऑलमोस्ट कराची में जितने भी ब्रांड हैं वो तमाम ब्रांड जो है वो आपको तारिक रोड डॉलमेन मॉल में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे आपको हाइपर स्टार वाली वीडियो हमने दिखाई थी और उसमें भी आपको देखने को मिले थे, जैसे ये मारिया बी है, अलमिरा है, आउटफिटर है और आइडियाज़ है, ये बहुत ही कोई फेमस जो है वो ब्रांड है और निशात है सामने, तो ये तमाम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है और ये तमाम जो है आपको डॉलमेन मॉल तारिक रोड पे देखने को मिलेंगे। और यही ब्रांड तमाम हाइपर स्टार में भी मौजूद थे क्योंकि हाइपर स्टार, लकी वन और डॉलमेन मॉल तारिक रोड ये तमाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉल हैं कराची के और बहुत बड़े मॉल हैं, इसलिए जितने भी ब्रांड हैं वो यहाँ पर लाजमी होते हैं। और आप चेक कर सकते हैं सामने भी, और यहाँ की सफ़ाई सुथराई का भी ज़बरदस्त जो है ना इंतज़ाम है यहाँ पर सफ़ाई सुथराई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि आपको दूसरे मॉल में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी मौजूद है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, एंड में आपको दिखाएंगे भी। अभी यहाँ पर लेके आने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, जैसे साया है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो डॉलमेन मॉल आना चाहते हैं लेकिन उनको वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो जिस ब्रांड के उनको कपड़े ख़रीदने वो ब्रांड यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो इसमें वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चल जाए। अब यहाँ पर हम आ गए हैं अब सबसे ऊपर कैफेटेरिया में, ये कैफेटेरिया, और ये कैफेटेरिया जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, साफ़ सुथरा और बिल्कुल पिकनिक स्पॉट ये मुझे देखने को मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये पिकनिक स्पॉट है और सिंदबाद यहाँ पर बना हुआ है, बच्चों का प्ले एरिया है बेसिकली। और इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर हमने तस्वीरें भी ली, बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा किया। और यहाँ पर हमारे मनपसंद KFC भी था, मैकडोनल्ड भी था, तो हमने बोला कि चलो भाई ये भी अच्छी बात है। आप चेक कर सकते हैं, मतलब ज़बरदस्त मॉल है और बहुत खूबसूरत, मतलब ये हाइपर स्टार से आप इसको हल्का नहीं ले सकते। और आप ये देख सकते हैं बहुत बड़े जो है ना जगह पे इन लोगों ने कैफेटेरिया बनाया हुआ जो कि बहुत खूबसूरत है। तो ये कैफेटेरिया था और हम लोग बस कैफेटेरिया से बाहर निकले और ये ऑलमोस्ट हम अपनी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि आपको यहाँ पर विजिट करवाना था और आउटलेट दिखाने थे और इसके अलावा कैफेटेरिया का विजिट करवाना था जो कि हो चुका है। तो बस हम यहाँ से अब निकलते हैं। जी भाई, तो ये थी हमारे डॉलमेन मॉल की वीडियो और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर कोई गलती वलती हो गई हो वीडियो बनाने में तो उसको इग्नोर कर दें या तो फिर कमेंट में बता दें ताकि उस गलती को हम सुधार लें, ठीक है। और गलती को छोड़ के हमारी मेहनत पे फोकस करें, हमारे वीडियोज़ को देखें और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आगे से आगे और ज़्यादा मजीद अच्छी वीडियो बना सकें। आपको पता है कि ऐसा वक्त के साथ साथ बंदा ग्रो करता है, हम भी ग्रो करेंगे। तो बस ये एंडिंग करनी थी और नीचे की दुकानें जो है वो लेट खुलती हैं, 3 बजे का टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।